कि मेरी गाड़ी में चूहा आ गया है जो आपने देखा अभी, हम अंदर ही है। मैं इसका क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भैया मेरी गाड़ी के अंदर ये देखे, वाह 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 वाह। अब इन भाई साहब को मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं अभी, इसका मेरी गाड़ी में चूहा आ गया। अरे भाई साहब किधर घूम रहा जानी, इसका मैं क्या करूंगा भाई, तो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अभी। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप गाड़ी चला रहे हो और चूहा आ जाए? लो वाह 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 वाह। अब मैं अगर शीशा खोल दूंगा तो बच्चा नीचे गिर जाएगा, ये मैं करूंगा नहीं, तो इसका मैं करूं क्या अभी। अगर मेरे बराबर मेरी अम्मी होती या अगर मेरी बंगेतर होती, उन्होंने तो चीख चीख के आसमान से तो उठा लेना था। ये कहीं घूम रहा है भाई, अरे भाई साहब, अरे तेरी, देखो भाई मैं चूहे से भी डरता, लेकिन ये चूहा पता नहीं क्या गंद भला खाकर आ रहा हो, किसी गंदी जगह पे मुंह डाला हुआ हो, और अगर इसने मुझे काट लिया अपना तो नुकसान हो जाएगा। चूहे के काटने से ना बहुत बैक्टीरिया फैल सकते हैं, ये बच्चा इसने इतनी गंदी चीजें खाई नहीं होंगी। ये ड्राइविंग वीडियो है, ड्राइव विद अ चूहा। ये टिश्यू के डब्बे के पीछे छुपा हुआ है। अच्छा सामने भी देखना ना गाड़ी चलाते है भाई। अच्छा ये सही है, चूहे बेचारों का भी बड़ा मसला है ना, बेचारा कहीं से घूम फिर के मेरी गाड़ी के अंदर आ गया। अब मैंने गाड़ी चलाई और मैं गाड़ी चला के निकल गया, अब इस बेचारे का घर बार पीछे रह गया, अब ये मेरे मोहल्ले में रहेगा। यार क्या करूँ अब इसका, क्या करूँ भाई साहब आपका। नहीं 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 नहीं, ऊपर 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 नहीं, ये नीचे नहीं आना, नीचे नहीं आना। उल्लू गिर गया नीचे। अब ये मेरी पैंट से अंदर तो नहीं आ गए मेरी चूहे? नहीं, मेरी पैंट के अंदर नहीं आना चाहिए बस, बाकी खैर है, टेंशन नहीं है। वो जो पैंचे से चढ़ जाता है ना फिल्मों में, देखते हैं कि पैंचे से चूहा ऊपर आ गया, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसका अभी बंदोबस्त करता हूँ, अभी एक मिनट अभी तुम सबर करो, मैं इसका करता हूँ अभी कुछ। भाई मुझे एक सबक मिला और सबक ये है कि कभी भी कचरा कुंडी के पास गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, और किसी भी दरख्त के आगे पीछे गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, उससे ये हो जाता है। खैर वैसे दरख्त के नीचे वैसे भी नहीं खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि आप दरख्त के नीचे खड़ी करेंगे तो ऊपर से कबूतर जो है या कौवे जो है अपना कारनामा अंजाम दे देंगे। यहाँ से गाड़ी अवॉइड करें, वरना आपका भी फिर मेरा ही वाला हिसाब किताब होगा कि गाड़ी के अंदर चूहे का बच्चा घूम रहा होगा। अब इसका कुछ करता हूँ मैं बेचारे का, अभी सीट के नीचे भी छुपा हुआ है, इसको मैं कुछ करता हूँ, मैं निकालता हूँ। अभी देखिए मेरी गाड़ी के अंदर एक चूहा है, और मुझे पता है ये वीडियो मेरी बिल्डिंग वाले भी देख रहे होंगे, तो अगर बिल्डिंग में कोई चूहा हुआ अगर आपकी नज़र में आ जाए तो उसके लिए मैं अभी से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि देखें नन्ही सी जान है, मैं मारता हुआ अच्छा लगूंगा नहीं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे मैं दरवाज़ा खोल दिया, सही है, या तो मैं दरवाज़ा खोल के चला जाऊँ कि वो निकल जाए, या तो मैं उसको पकड़ के निकालूँ। करता हूँ कोशिश ज़रा एक मिनट। यार मेरी सीट के नीचे है, और लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो निकलेगा अभी, वो के अंदर ना छुप छुपा के मैं बैठ गया है। तो इसका हल ये कि मैं रात भर इस गाड़ी को खुली छोड़ देता हूँ, और फिर बाकी अल्लाह मालिक है। नहीं भाई बहुत मुश्किल नहीं मिल रहा, इसके लिए मुझे दरवाज़ा खुला छोड़ना पड़ेगा। तो भाई गाड़ी का दरवाज़ा जो है मैंने खुला छोड़ दिया है, सही है, चूहे को निकलना होगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। वैसे तो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा ना, मुझे कहीं नज़र आ रहा है, तो हाँ तो ये दरवाज़ा खुला रहेगा रात भर। आई होप इसको निकलने की जगह मिल जाए और ये गाड़ी से चला जाए। ये खुला छोड़ा हुआ है, पैसेंजर थे, पैसेंजर यहाँ करके चले जाएंगे, अल्लाह करे निकल जाए। और हाँ कभी अल्लाह ना करे ऐसा इत्तफाक आपके साथ हो तो पैनिक मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। ख्याल रखिएगा अपना, बहुत जानवरों से प्यार करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।